सेनेट की दो नशिस्तों पर इलेक्शन के लिए मैदान आज सजेगा। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक पंजाब असेंबली में होगी। पंजाब असेंबली का कार्ड होना लाजिम। पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फोन लाने पर पाबंदी आयद। तहरीक इंसाफ के वलीद इकबाल का नून लीग के सऊद मजीद से मुकाबला। खवातीन की नशिस्त पर सीमा अजदी और नून लीग की सारा अफजल तारड़ आमने सामने। नून लीग की सेनेट इलेक्शन में पार्टी अराकीन को हाजिरी यकीनी बनाने की हदायत। ओपोजिशन लीडर ने तमाम अराकीन को आज सुबह 9 बजे नाश्ते पर बुलाया। हमजा शहबाज कहते हैं हुकूमती सफों में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। बहुत सारे हुकूमती अराकीन के साथ राबते में हैं। धांधली ज़दा हुकूमत को आवाम ने अब तक कबूल नहीं किया। ऑडियो लीक स्कैंडल में इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद करार। गवर्नर और वजीर आला पंजाब का बाहमी दोस्ताना ताल्लुकात का इकरार। चौधरी सरवर कहते हैं मेरे और वजीर आला के दरमियान रत्ती भर भी इख्तलाफ नहीं, हम एक पेज पर हैं और इमरान खान की टीम बनकर काम कर रहे हैं। उस्मान बुजदार बोले गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, हम सब एक खानदान की तरह और मुत्तहिद हैं। अरकिन असेंबली से मुलाकात में गुफ्तगू। मुत्तहिदा मजलिस अमल का माल रोड पर मिलियन मार्च। माल रोड पर एनसीए के अलावा तमाम तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। बंद रहने वाले इदारों में गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी ऑल कैंपस भी शामिल। स्कूल्स के बंदिश के अहकाम जिला इंतजामिया की जानिब से जारी किए गए। सदर पैनोरामा सेंटर को कब्जा ग्रुप के खिलाफ एहतजाज करना महंगा पड़ गया। सदर पैनोरामा सेंटर शहजादा वक्कास बट समेत दीगर ताजरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना सिविल लाइंस पुलिस ने शहजादा वक्कास बट और दीगर ताजरों को गिरफ्तार कर लिया। छह से बाइक वाले आए हैं, दो 125 पे उन्होंने आकर रोका आगे, तो उन्होंने इशारा किया कि रुक जाएं, फिर बोल्ड मारा है, बोल्ड मारकर उन्होंने दरवाजे को लॉक किया कि खोलें, हमने नहीं खोला। जब नहीं खोला ना, उसने दो तीन दफ़ा किया, फिर उस साइड पे आया, उसने आकर फायरिंग की है, उसने सीधा बोल्ड मारा है कि पौके आगे लगा। शुक्र है कि हमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद लॉक खुला है, वो बैग उठाया, बैग उठाकर तो वो इशारे की तरफ चले गए। सीसीपीओ ऑफिस के सामने दिन दहाड़े डकैती की बड़ी वारदात। मोटरसाइकिल सवार गन पॉइंट पर मनी चेंजर से 1.5 करोड़ लूट कर उड़न छू। गोलियों की थरथराहट के साथ गाड़ी रुकवाई, कैश छीन कर फरार। वारदात मनी चेंजर जिशान और जुनैर के साथ हुई। पुलिस सरबराह के ऑफिस के सामने फायरिंग करते हुए रफू चक्कर। थाना सिवर लाइन में नामुलम अफराद की खैराब, मुकदमा दर्ज। जराइम कंट्रोल करने के दावे हवा में उड़ गए। शहर भर में कत्ल डकैती की वारदातों में होश डुबा इजाफा। जनवरी से अब तक 15 अफराद डकैती मजामत पर कत्ल। 84 थानों की हदूद में 2974 वारदातें। खवातीन को भी माफ न किया। रमा साल 716 कीमती मोबाइल फोन छीन लिए गए। बहनों को जायदाद से हिस्सा मांगने पर मौत की नींद सुला दिया। शादबाग में सौतेले बेटों की खून की होली, दो बहनें और मां कत्ल कर दी। संगदिल बेटों की फायरिंग से तीसरी बहन शदीद जख्मी, अस्पताल में जेरे इलाज। मकतूला के शोहर असगर को भी 20 रोज कबल जायदाद के तनाजे पर कत्ल कर दिया गया। पुलिस की मदयत में मुलजिम हैदर, भाई वक्कास, मलिक आमिर और सज्जावल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी का अहम किरदार, कैसर अमीन बट गिरफ्तार। चेयरमैन पैरागॉन को नैब की टीम ने सिंध के एक गांव से पकड़ा। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के हकीकी मालिक बा असर सियासतदान हैं। बा असर अफराद ने मेरे साथ भी धोखा करके अपने शेयर्स में इजाफा किया। कौमी एहतसाब ब्यूरो के पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। नैब में आखिरी पेशी पर होशुबा इंकशाफात। कैसर अमीन वादा माफ गवाह बनने पर भी तैयार थे। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी का जबरदस्ती मालिक बनाने की कोशिश की जा रही है। नैब गिरफ्तार पहले करता है, सबूत बाद में तलाश किए जाते हैं। मेरे खिलाफ कुछ बंदे ढूंढकर वादा मुआफ गवाह बनने की कोशिश हो रही है। आज जो पीपी और नून लीग के साथ हो रहा है, कल वैसा ही पीटीआई के साथ होगा। ख्वाजा सादर रफीक,
पैरागॉन केस में दोनों भाइयों की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 26 नवंबर तक की तौसी कर दी गई। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस, एक और किरदार की तलाश। कैसर अमीन बट की गिरफ्तारी के बाद नैब को नदीम जिया की तलाश। नदीम जिया पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। नदीम जिया एक दफा नैब में पेश होकर गायब हो चुके हैं। पीपी 168 जिम्नी इलेक्शन, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक असद खोखर के कागजात नामजदगी मंजूर। नून लीग के उम्मीदवार राणा खालिद कादरी के कागजात भी मंजूर। हल्के के आवाम मुझ पर एतमाद करेंगे, शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं, मलिक असद खोखर की गुफ्तगु। जीत तो मुझे यकीनी नजर आ रही है क्योंकि मैंने हल्के का विजिट किया है और जिसको नून लीग का गढ़ कहा जा रहा था वो हल्का इतना पसमानदा है, ना डेवलपमेंट है, ना सीवरेज सिस्टम है, ना साफ पानी है, तो लोग इतने बदजन हैं कि वो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा पाकिस्तान तरीके इंसाफ बड़े भारी मार्जिन से कामयाब होगा। रेस्क्यू 1122 की जिम्मेदारी महकमा दाखिला के सुपुर्द। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फजील असगर की जेर सदारत रेस्क्यू 1122 के मुतालिक इजलास, महकमाना अमूर से मुतालिक अफसरान से ब्रीफिंग। करप्ट माफिया को पकड़ने वालों पर भी करप्शन का शक। महकमा एंटी करप्शन ने अपने अमले की निगरानी के लिए विजिलेंस सेल कायम कर दिया। अहम केसेस की तहकीकाती पेशरफ्त का भी जायजा लिया जाएगा। 2040 में शहर लाहौर कैसा होगा, एलडीए ने कमर कस ली। मास्टर प्लान की तैयारी में एलडीए का माहरीन से मशावरत करने का फैसला। माहरीन को मशावरत के लिए एलडीए ने 20 नवंबर को मदऊ कर लिया। शाहीन एयरलाइन के मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सरपा एहतजाज। पायलट्स, एयर होस्टेस और कैबिन क्रू समेत दीगर अमले का प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा। मुलाजमीन को उनका हक दिलवाने के लिए चीफ जस्टिस सोमोटू एक्शन ले। तनख्वाहें ना मिलने से घर के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। कैप्टन नुमान समेत दीगर अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने महकमा तालीम के अहकामात नजरअंदाज कर दिए। दो माह गुजर गए, भट्टा मजदूरों के बच्चों का डाटा ताहाल अपलोड ना किया जा सका। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मामले का नोटिस ले लिया। सर्दी से सुई गैस के सिस्टम को ठंड लग गई, कहीं प्रेशर की कमी तो कहीं बिल्कुल ही गायब। ग्रीन टाउन के मकीनों का सब्र का पैमाना लबरेज। खातीन और बच्चे सड़कों पर निकल आए, सुई गैस इंतजाम के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी। बासर बिजली चोर माफिया, लेस्को अफसरान पर भारी। बिजली चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां करने वाले ऑपरेशन अफसरान को खुड्डे लाइन लगाने की तैयारियां। कार्रवाई करने वाले लेस्को अफसरान के तबादलों का इम्कान। तब्दीली सरकार में भी सिफारिशी कल्चर तब्दील ना हो सका। तकरर तबादले के लिए पंजाब में सिफारिशी कल्चर मजबूत रवायत बन गया। महकमा सर्विसेज के 17 ग्रेड के अफसरान के असर रसूख इस्तेमाल करने का इंकशाफ। सिफारिशी अफसरान के खिलाफ हुकूमत का सख्त कार्रवाई का फैसला। करप्शन माशरे का नासूर करार। नैब के जेर तमाम अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में करप्शन के अनवान से शायरी का मुकाबला। मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के तलबा की भरपूर शिरकत। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बोले करप्शन के खात्मे का अज़्म कर रखा है। कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक मुल्क से करप्शन खत्म ना हो। बच्चों को मोबाइल फोन देना उनके सेहत के लिए नुकसानदेह है। स्कूल्स में बच्चों के लिए खेलों के मौके बढ़ाना चाहते हैं। ज़्यादती से बचाव के लिए शाउर पैदा करने की जरूरत है। स्कूल हेल्थ सर्विस का नया निसाब बना रहे हैं। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का चुगताई लैब की तकरीब से खिताब। एंटीबायोटिक का फायदा कम, नुकसान ज्यादा है। यूसीपी में वर्ल्ड एंटीबायोटिक वीक का तीसरा रोज। तिब्बी माहरीन के तलबा को एंटीबायोटिक के फवायद और नुकसान से मुतालिक लेक्चर्स, आगाही वॉक का भी एहतमाम। मेयर
بالنگ بروک روجرسی کلارک کی ٹاؤن ہال آمد، میئر لاہور کے جانب سے مہمانوں کا استقبال پھول پیش کیے گئے۔ روجرسی کلارک بولے، لاہوریوں کی مہمان نوازی مثالی ہے، پاکستان پر امن ملک ہے، سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں۔ سوزو کمپنی نے نئی گاڑی متعارف کروا دی، جیل روڈ پر رنگا رنگ تقریب، گاڑی کی قیمت 24 سے 47 لاکھ روپے مقرر۔ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے مواقع، رحیم سٹور سے خریداری پر عمرے کے پیکج دینے کا سلسلہ جاری، 3 صارفین کو قرآن اندازی کے ذریعے عمرہ کے ٹکٹ دیے گئے۔ ہاکی ورلڈ کپ کے لیے 18 رکنی قومی ہاکی ٹیم کا اعلان، 18 رکنی اسکواڈ کی کپتانی رضوان سینئر کریں گے۔ قومی ہاکی ٹیم 21 نومبر کو بھارت روانہ ہوگی۔ اور دھندلائے موسم سے پریشان اہل لاہور کے لیے اچھی خبر ہے، حالیہ بارش، کیا سموک کا خطرہ ٹل گیا؟ 2 دن کی ہلکی بارش نے سموک کے زور کو توڑ دیا، سموک کا دوران یہ مقرر ہوتا ہے، سموک کا وقت صرف 1 ہفتہ رہ گیا۔ محکمہ موسمیات۔